क्या आप जानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन की क्या लिमिट है, कितने सेविंग अकाउंट एक पर्सन बैंक्स में ओपन करवा सकता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में, इसी प्रकार कितने वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं तय की गई। इसी प्रकार आप जब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन के लिए भी कोई लिमिट या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने भी रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। अगर आप बात करें रूल्स एंड प्रोविजन की, इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन कैश ट्रांजेक्शन करता है, डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है कैश में बैंक से, तो वहां पर अगर 10 लाख से ज्यादा की विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स हो रही हैं, तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा डिपार्टमेंट को भेजना जरूरी है कि कौन पर्सन इस लिमिट से ऊपर के ट्रांजेक्शंस कर रहा है। और अगर उसके बाद अपने आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फाइल करते हैं और उसमें ट्रांजेक्शंस आपकी इनकम से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर आपके पास डिपार्टमेंट नोटिस भी भेज सकता है। हालांकि अगर आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप चिंता करने की बात नहीं है, 10 लाख रुपीज से ज्यादा के भी ट्रांजेक्शंस आप एक साल में कर सकते हैं। करंट अकाउंट के लिए लिमिट 50 लाख रुपीज की है अगर कैश ट्रांजेक्शन आप करते हैं। डिपार्टमेंट की नॉलेज में आने के बाद अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद 6 साल तक, मतलब ये मान के चलिए आप लगभग 7 साल तक आपके पास वो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकता है। आप जब भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, आपको टाइमली आपकी ITR फाइल करनी है ताकि इस तरह के नोटिस आपके पास ना आ पाए। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ।